हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड हसलर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एआई ओडिसी की, आप लोग लैब कैसे करेंगे और बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का, जिससे आप लोग जो है सर्टिफिकेशन क्लेम करके स्वैग को क्लेम कर सकते हो। स्वैग आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि आप लोगों का ये फैनी बैग होने वाला है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको पता होगा। अब आज हम बात करेंगे जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, मैं उन लोगों की सारी प्रॉब्लम्स आज शॉर्ट आउट कर दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और काम करना है, हमारे इस चैनल पे आ जाना है क्लाउड हसलर के, आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और सिंपली आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, ये व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक है, आप लोग इस पर क्लिक करोगे व्हाट्सअप कम्युनिटी पर ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ पर आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीज़ें मिल रही होंगी, शॉर्ट तरीके हैं, आर्केड वगैरह, इवेंट्स वगैरह जो भी होंगे सारे अपडेट्स आपको वहीं पर मिल रहे होंगे सबसे पहले, ठीक है। बाकी और भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं, आप लोग यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस इवेंट के बारे में। देखो आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये इवेंट क्या है, ठीक है, एआई ओडिसी का। तो आप लोगों को इसमें जो है देख सकते हो, यहाँ पे ये स्वैग आपको देखने को मिल रहा था, फैनी बैग, ठीक है। अब ये फैनी बैग देखो स्टार्टिंग जो 500 स्टूडेंट्स है, मतलब जो पहले करेंगे 500, उन लोगों को जो है ये फैनी बैग मिलेगा। फैनी बैग काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और 500 लोग अभी भी नहीं हुए, आपके पास अभी बहुत टाइम है, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट लेवल पर चैलेंज है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ मैंने आपको सारे लिंक्स दे दिए थे जिन्हें आपको करना था, जिनकी वजह से जिनको ट्रांसक्रिप्ट आपको सेंड करनी थी। अब मैं आपको आगे बताऊँगा ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपको कैसे देखनी है, क्या करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया हम लोगों को जो है क्या क्या कैसे हम लोगों को लैब परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे कि मैंने एक लैब खोल ली है, मैं इसको वापस से जो है बैक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने एक एक क्रिएट कस्टम नेम एंटिटी एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन जो है मैंने ये खोल लिया, ठीक है। मैं आपको पहले बताऊंगा लैब परफॉर्म कैसे करनी है, फिर उसके बाद आप लोग देखना, क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था आपको मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम निकालने के लिए। तो मैं सीधा चलता हूँ इस एक्सरसाइज पर, यहाँ पर आ चुके हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो कि लैब वगैरह के इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं। देखो यहाँ पे लॉन्च लैब आप लोगों को कर देना है, ठीक है, एजर का आपका अकाउंट वगैरह। फिलहाल इस लैब के लिए तो आपको आपके अकाउंट की जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल करने के लिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको सिंपली साइन अप कर देना है, एक साल का आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 2200 प्लस आपको सर्विसेज मिल रही होंगी 200 क्रेडिट के साथ। और अब आगे देख लेते हैं क्या क्या कैसे करना है हम लोगों को। तो देखो मैं आप लोगों को यहीं पे आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली बताता हूँ क्या मिलेगा। एक वर्चुअल मशीन उनकी साइट से ऑलरेडी एक वर्चुअल आपको सिस्टम मिल रहा होगा, जहाँ पर सारी चीज़ें उनकी डाउनलोडेड होंगी, सब कुछ होगा, आप लोगों को वहीं पर स्टार्ट कर देना है। मैं इसी में दिखाता हूँ आगे आपको सारी चीज़ें, क्योंकि मैं लैब में देखो मैं आपको लैब करके नहीं दिखा सकता, लैब इसलिए करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पर देखो रेस्ट्रिक्शन वगैरह है, आपका मॉनिटर होता रहता है माउस के मूवमेंट को, ठीक है। तो बीच बीच में ब्लैक स्क्रीन भी आ जाती है और हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी बस शट कर दे हो, ठीक है। तो आप लोगों को सेफ्टी रखनी है इसलिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे बताता हूँ, लॉन्च लैब को आप लोग क्लिक करेंगे, वेट करेंगे एक सेकंड का। अब यहाँ देखो स्टार्ट लैब आ चुका है, स्टार्ट लैब आ चुका है, आपको लैब के अंदर ही इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेंगे। बट पहले बात कर लेते हैं कैसे लॉगिन करना है, एडमिन का लोगों को पासवर्ड नहीं मिल रहा, आधे लोग वहीं स्टक हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही बेसिकली लेवल 2 के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़ें। देखो ये इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे तो विंडो है, बट वहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, ये आपका एनवायरनमेंट अभी सेटअप हो रहा है, एक सेकंड का आप लोग वेट करेंगे, ये आप लोगों का एनवायरनमेंट सेटअप हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखो 10 सेकंड अभी भी दे रखा है, तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेस वगैरह आपकी लोड होंगी, उसके बाद आपका ये ऑन हो जाएगा। देखो अभी ये टाइम हो चुका है, अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो एक सेकेंड वर्चुअल मशीन आपकी स्टार्टिंग हो रही है। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग साइड में देखोगे कि यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन वगैरह मिल चुका है, मैं इसको जो है पूरा प्रॉपर जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आप लोगों को करना है, पासवर्ड वगैरह आपको कैसे करने हैं, ठीक है। ये आपका हाल है कि यहाँ पासवर्ड गिवन है, बट वहाँ आपको नहीं पता चलेगा, तो आपको बता रखा है किस तरीके से आपको साइन इन करना है। देखो पहले अकाउंट आपका रहेगा विद द पासवर्ड टी, देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अब ये पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, सिम आप लोग यहाँ पे ऊपर देख रहे हो ना ये कंप्यूटर का साइन, अभी आप लोग जरा इस पर क्लिक करो, ये तो फुल देखो आप लोगों को इस टेस्ट जो देना है फुल स्क्रीन पे ही देना, विंडोज़ पे मत देना, क्योंकि बहुत ही छोटी मिनिमाइज स्क्रीन दिखाई देती है, यहाँ पे तो बड़ी दिख रही है, वो इस वजह से क्योंकि आपको परफॉर्म करनी है यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे ट्राई करना फुल स्क्रीन मोड पे, ताकि आप लोग टैब पे गलती से भी स्विच ना हो, क्योंकि हो सकता है आपका एग्ज़ाम बंद हो जाए। तो यहाँ ये थंडरबोल्ट का आप लोग यहाँ पे जरा सा क्लिक करोगे,
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप लोग देख रहे होंगे यूजर नेम पासवर्ड। देखो यूजर नेम पासवर्ड जो है ना, पहले तो आप लोग जो है यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक कर देना। यहाँ ऑटोमेटिक आप लोग देख सकते हो कि पासवर्ड जो है यहाँ पे टाइप हो चुका है। ठीक है, ये टाइप हो गया हमारा, ये आप लोग एडमिन लॉगिन कर लोगे। यहाँ स्टूडेंट है, वहाँ पर एडमिन लिखा आएगा, वहाँ पर एडमिन पर आप लोग लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे ओपन हो चुका है, आपकी वर्चुअल मशीन आपकी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ऑलरेडी वीएस कोड इंस्टॉल है, यहाँ पे ब्राउजर वगैरह आपके हैं। वहाँ पे आपको जब एग्ज़ाम स्टार्ट आप लोग करोगे आपको ऐसे ही करना है, फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे ब्राउज़र आपका ये वाला माइक्रोसॉफ्ट एज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, एजर आपका ओपन अपने आप ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो हालांकि आपको सर्च करना पड़ेगा, बट वहाँ पे आप लोगों को जो है ऑलरेडी एंटर मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक एनवायरनमेंट चालू हो जाएगा। अब एजर के लिए आपका अकाउंट क्या होगा, आपको अपना वहाँ पे पर्सनल अकाउंट नहीं डालना है, वहाँ पे आपको बेसिकली एक स्टूडेंट अकाउंट है। जैसे आप लोग गूगल क्लाउड में देखते हो कि आपको स्टूडेंट आईडी पासवर्ड मिला होता है, वैसे वहाँ पर भी होता है। आपको वहाँ पे क्या करना है, आपका एजर आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। लॉगिन पे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ लॉगिन पे करोगे, ये तो आपके देखो क्या कहते हैं लर्निंग के लिए कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे तो जैसे ईमेल पासवर्ड वगैरह मेरे से मांग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ स्टूडेंट के लिए तो मैं अपना अकाउंट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे साफ लिख रखा है कि आपको अपना अकाउंट यूज़ करना है, क्या आपके टास्क वगैरह हैं। ये देखो ये पोर्टल्स वगैरह हैं, सिंपली आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, ये पोर्टल आपका जो है वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा ब्राउजर के अंदर। चाहो तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो इस पोर्टल को, कॉपी करके यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया था, मैंने तो सर्च कर लिया, बट आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ URL में जाके पेस्ट हो गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ID में। तो यहाँ से हटाना है, मैं आपको बस दिखा देता हूँ एक बार, न्यू टैब में ये यहाँ पर है। आप लोग इस पोर्टल पे क्लिक करोगे, ये वहाँ पे टाइप हो गया, सिंपली क्लिक करा, देन आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओगे, साइन इन के लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड एजर का डालना पड़ेगा, मैंने बता दे, साइन अप करना पड़ेगा, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम में कैसे मिलेगा। एग्ज़ाम में ना आपको यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टाइप यूज़र नेम, जैसे हमने पासवर्ड एडमिन के लिए करा था वैसे आप लोग दोबारा टाइप यूज़र नेम टाइप पासवर्ड वहाँ करोगे, ऑटोमेटिक आपका स्टूडेंट आईडी पासवर्ड वहाँ पे फिल हो जाएगा, आप लोग लॉगिन हो जाओगे। फिर वहाँ पे आपको जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो जैसे साइड में है, बट आपको इस लेफ्ट कॉर्नर पर आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें, वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ आपके टास्क होंगे कैसे आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या सिलेक्ट करना है। देखो सब्सक्रिप्शन आप लोग सिलेक्ट करोगे, रिसोर्स ग्रुप कैसे करना है, रीज़न आप लोगों क्या होगा, नेम आपको डालना है कैसे, प्राइजिंग टीयर आपकी क्या होनी चाहिए, स्टोरेज अकाउंट जो है आप लोगों का कैसा होना चाहिए। देखो प्राइजिंग टीयर आप लोगों का F0 का मतलब है फ्री, ठीक है, एज़ फॉर स्टैंडर्ड, बट हम लोग जो है F यूज़ करेंगे फ्री के लिए, क्योंकि फ्री सर्विसेज हमें यूज़ करनी है। ये सैम्पल एड्स वगैरह है, जहाँ पे आप लोग ब्राउजर टैब डाउनलोड सैम्पल क्लासिफाइड एड ये करना है, ये टास्क वगैरह आपको दिया हुआ है, इस तरीके से आपको अपना लॉगिन करके टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होगे। अब आगे बात कर लेते हैं, देखो विजुअल कोड भी आपका इंस्टॉल है, कोड आपको जेसन वगैरह फाइल जो भी कुछ करना है यहीं पे करोगे। ये आपका एक वर्चुअल मशीन था, मैं इसको कट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। वहाँ पे आप लोगों को सबमिट या फिर एंड आ जाएगा, ये आप लोग जैसे यहाँ पे एंड देख रहे हो वैसे वहाँ भी एंड आता है, तो एंड पे क्लिक कर दोगे आप लोग यहाँ से बाहर आ जाओगे। ठीक है, आई एंड माई लैब कर दोगे, वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस चेक हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपकी प्रोग्रेस जो है चेक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी होगा आपको मैंने बता दें किस तरीके से आपको करना है। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको गाइड और कर देता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पर आते हैं, फिलहाल मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ बिल्डर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखो इसमें आप लोगों को जो है ना, ये देखो एक इंटरमीडिएट लेवल पर है, AI इंजीनियर डेवलपर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि पाथ है, ये पूरा का पूरा है। अब देखो आपको पूरा तो खैर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको टास्क जो है 2 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। कोई छोटी लैब नहीं है, एक इंटरमीडिएट लेवल पर है, बहुत अच्छी लैब है, आप लोग परफॉर्म करोगे। एक बार ट्राई करना, एक बार करके देखना, हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती एक बार एंड करना, क्योंकि उसमें लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपको क्या बेसिकली परफॉर्म करना था और कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे एक सेकेंड, मैं हाँ
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने जैसे परफॉर्म करा था, हालांकि मैंने कर लिया था, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे आप लोग करके एंड कर दोगे, मैंने वीडियो के मारे किया है तो आप लोग एंड कर दोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको परफॉर्मेंस जो आपने टास्क के थ्रू करनी थी, देखो 62% नीडेड है आपको पास होने के लिए, ठीक है 62% आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस है पहली जो है क्रिएट अ कस्टम नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। देखो मैं ये बिल्डर नेचुरल आपको जो है लेवल 2 की इस फोर्थ लैब मतलब कि पहली लैब के बारे में बता रहा हूँ, तो बाकी की 2 लैब भी आप लोग एक बार कर देना, फिर आपको जो है 3 दिन का टाइम यानी कि 72 आवर्स का टाइम मिलेगा, उसके बाद ही री अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये मॉड्यूल्स है क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं दिखा देता हूँ, ये 3 है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लैब को किस तरीके से परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। आप लोग सिंपली इसको कॉपी करोगे, आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लेना इस चीज़ का, आप लोग जो है न्यू टैब में आना, यहाँ इसको पेस्ट करके एंटर कर देना, एंटर किया यहाँ आ गए। अब आप लोगों को क्या करना है, हाँ इस पहले लिंक पे ही क्लिक कर देना है। मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट तरीका कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल वगैरह है, पर आप लोग इस चीज़ पे भी ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना ही, पढ़ने के लिए आप लोग इसको पढ़ लेना, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग हाउ टू गाइड पे आ जाना कि आपको कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ आपको पूरा बकायदा जो स्क्रीनशॉट वगैरह देके आपको बताया गया है किस तरीके से ये आपका क्या फीचर होगा। देखो कस्टम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, आपको पहले उसमें लैंग्वेज रिसोर्सेज वगैरह करने को देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ देखना क्रिएट अ लैंग्वेज रिसोर्सेज, यहाँ आ गए सब्सक्रिप्शन वगैरह, देन आपको कैसे करना है स्टोरेज अकाउंट टाइप आपका कैसा होना चाहिए, अकाउंट टाइप ऐसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड दे रखा है बट आपको फ्री टियर यूज़ करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन वगैरह है आपको फ्री टियर है, रिसोर्स ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, बाकी जो भी रीज़न वगैरह वहाँ गिवन होगा आपको वैसे करना है, जैसे गूगल क्लाउड में करते हो वैसे ही, ये बेसिकली लैब परफॉर्मेंस है आपको ये करना है, ठीक है। ये कोड वगैरह है आपको पावर शेल में कैसे क्या बनानी है फाइलें, वो इसके लिए कोड है, ठीक है। ये प्री एग्जिस्टिंग वगैरह लैंग्वेज रिसोर्सेज कैसे आपको यूज़ करने, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उस लैब के अंदर है, बेसिकली टास्क परफॉर्म करना है। पहला टास्क है आप लोगों को जो है एक लैंग्वेज रिसोर्स बनानी है, ठीक है। उस लैंग्वेज रिसोर्स को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, लैंग्वेज रिसोर्स बनानी है यूजिंग पावर शेल के थ्रू, अगर बनानी है तो इस कमांड का आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कैसे क्या क्या है, इन चीज़ों के थ्रू आप लोग जो है एक लैंग्वेज रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। अदरवाइज आप लोग मैनुअली कर सकते हो, लैंग्वेज रिसोर्स आप लोग जो है वहाँ पे ऑल सर्विसेज में जाकर प्लस साइन पे क्लिक करके सर्च करोगे, आपको वहाँ मिल जाएगा, आपको यहाँ पे फिर गिवन होगा किस तरीके से आपकी स्टोरेज अकाउंट आपका किस नाम से होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग किस तरीके से होनी चाहिए, वहाँ लिखा होता है, तो आपको वही नेम कॉपी वगैरह करनी है, वहीं पर चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये कर लिया आप लोग, आइडेंटिफाई मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसे करनी है, ये रिक्वायर्ड रोल क्या क्या आपके होने चाहिए, यहाँ है आप लोग यहाँ से पढ़ो, डायरेक्ट वहाँ जाओ, फिर टेस्ट वगैरह दो। अब इसमें मैंने जैसे बता दिया आप लोगों को ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, या वो पहला हो गया डिप्लॉय वाला हो गया, देन क्रिएट अ कन्वर्सेशनल, ये थोड़ा लेंथी सा है बट हाँ काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप लोग इसको जो है एक बार परफॉर्म कर लोगे टास्क को, फिर जब कैंसिल कर दोगे लैब खत्म हो जाएगी, तो आप लोग उसको कलेक्शन में सेव कर लोगे, कलेक्शन में सेव करके यहाँ आ जाओगे, ये आपके कलेक्शन में पड़ा रहेगा, एक्टिविटीज़ में बेसिकली पड़ा रहेगा, आप लोग प्रोफाइल पे एक बार आओगे क्लिक करोगे एक्टिविटी में आपको दिख जाएगा। तो ये 3 लैब आप लोगों को वहाँ परफॉर्म करने और ये 3 मॉड्यूल आपको पढ़ने पड़ेंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, आपको 2-2.5 घंटे का टाइम देके इनको पढ़ना है और इनके ज़रिए काम करना है, एक बार लैब को जो है स्टूडेंट के उसे अपने खुद से करना है ताकि आपको पता लगे कहाँ कैसी सर्विसेज हैं। टोटल एजर AI की सर्विसेज आपकी यूज़ होंगी, ठीक है, लैंग्वेज रिसोर्स, लैंग्वेज स्टूडियो, इन सब का ही यूज़ होने वाला है, मैंने आपको पहले इसका बता दिया है। बाकी आपको अब आगे बात कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का प्रॉब्लम है कि ट्रांसक्रिप्ट भैया कैसे आएगा, कहाँ देना है। देखो प्रोफाइल पे आप लोग क्लिक करना, आपको अपनी प्रोफाइल पे सिंपली आ जाना है, इंस्ट्रक्शन हालांकि गिवन थे बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ दे रखा है कि आपको ये लिंक वगैरह है, इस लिंक को आप लोग जो है वहाँ लॉगिन कर लोगे, आपको प्रोफाइल आइकन में टॉप राइट कॉर्नर पे आपको प्रोफाइल में जाना है जहाँ ट्रांसक्रिप्ट दिखेगा, वहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और इनके साथ शेयर करना है जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। मैं बताता हूँ, यहाँ आ गए, बॉटम में आए, प्रोफाइल में ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक किया, ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक किया, ये आपका ट्रांसक्रिप्ट है, आप लोगों को URL शेयर करना है, शेयर लिंक है, आप लोगों की जितनी डिटेल्स हैं, एक PDF यहाँ आप लोग प्रिंट है, पहले इसको प्रिंट कर लेना, पूरा एक PDF तैयार हो जाएगा ये आपके सारे टास्क का, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को शेयर लिंक है, इस शेयर लिंक को आपको क्लिक करना है, वहाँ पे जैसे मैंने फॉर्म में बताया था आप लोगों को AI ODC के, आप लोगों को उनको पेस्ट करके वहाँ पे चिपका देना है। अदरवाइज आप लोगों को जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पुनीत जैन है, आप लोग देख सकते हो puneet@reskill.in, इस पे आप लोगों को जो है शेयर कर देना है, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दोगे, जब आप लोग
छः के छः कर लोगे तो आप लोग जो है 500 के अंदर होगे, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। हालांकि आप लोग आ जाओगे, क्योंकि मैंने अभी भी देखा बहुत 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 सारे लोग अभी पेंडिंग में जो नहीं कर पा रहे हैं। लैब की प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको करके इसलिए नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कैसे करना है, बट मैं करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप लोग जानते होगे सिक्योरिटी बेसिस की वजह से, तो वहाँ पे जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता उन चीज़ों को कि कैसे लैब परफॉर्म कर रहा हूँ। बट मैंने आपको टास्क बता दिया एक लैब का कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको तीनों लैब को एक बार अटैम्प्ट कर लो, 3 दिन का टाइम आप लोगों को मिलेगा 72 आवर्स का। हालांकि अभी हमारे पास 5 डेज हैं, ठीक है, 1 फेब तक ही इवेंट चलने वाला है। आपको करना है, आराम से करोगे, 3 दिन अपना पढ़ाई करो, लग जाओ, एक एग्ज़ाम दोनों से तीनों निकाल लोगे तुम एग्ज़ाम 3 दिन में आराम से पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अटैम्प्ट करो, तुम्हें दिख जाएगा किस तरीके का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद जो है तैयारी करके उसको करो, उससे आपको पता लग जाएगा अपने कलेक्शन सेव करके कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली आप लोगों को यही एक अपडेट देना था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा अगर और भी कोई रिसोर्सेस निकल कर आती हैं, ठीक है। तो अब वीडियो को लंबी ना करते हुए काम करते हैं, जल्दी से रैप अप कर लेते हैं, देन फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपके सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए होंगे, अभी भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।